बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आतिफ नवर और मेरे विलेज ब्लॉग में आपका वेलकम। तो भैया अब करते हैं अपना आज का ब्लॉग शुरू। जैसे कि आपको पता है कि कल का वो कमरा ना रेडी हो गया और ये वाला कमरा रेडी कर रहे हैं, तो हमें सुबह ना काफ़ी मुश्किलें हुई है। देखो ये ना LCD लगी हुई है जो कैमरे वाली है, उतार भी नहीं थे सकते और बस ऐसे ही लगी रहने दी। और ऊपर हमने कपड़ा दे दिया, बहुत मुश्किल से ना थोड़ा किया ये बेड वगैरह। काफ़ी भारी है, मैंने बहुत मुश्किल उठा के ना यहाँ बाहर रखे हैं। ये गद्दा है, गद्दे के साथ ही नीचे बेड पड़ा। भाई फिलहाल पेंट कर रहे हैं लेकिन पेंट खत्म हो गया। ये हर रोज़ पेंट खत्म हो जाता है इनका। मैं तो पेंट ला लगे ना थक गया हूँ बस। तो भाई अभी पेंट कर रहे हैं, अभी और पेंट भी लेके आना है। आप क्या कर सकते हैं, हमारा घर पेंट हो रहा है मामू जी का, तो उन्हें पेंट की तो जरूरत पड़ेगी, तो जाके ना पेंट लेके आते हैं। तो भाई भाई से पूछ लेते हैं कितना पेंट लेके आना है, ऐसे ना हम ज़्यादा उठा लें। मुझे ये भी नहीं पता कौन सा खत्म हुआ कौन सा नहीं, तो भाई से पूछते हैं कौन सा पेंट चाहिए, वो पूछ के फिर लेके आते हैं। तो भाई जी कौन सा पेंट चाहिए, कौन सा खत्म हुआ है? पेंट चाहिए पिंक की गैलन जी, और एक ग्रीन की जी, दो पर्पल। ठीक है, और कुछ? ठीक है, और इसके अलावा और कोई चीज चाहिए? तो भाई जो ये तीन चार कलर चाहिए ये लेके आते हैं, चलते हैं चार से। भाई चलते हैं, और हमारे नाना अबू ना खाना खा रहे हैं। नाना अबू जी क्या हाल है? ठीक ठाक है, बढ़िया बढ़िया। तो भाई नाना अबू जी खाना खा रहे हैं, तो हम चलते हैं जाके लेके आते हैं जो सामान है अपना। ये हमारी बाइक, चलते हैं। तो भाई आ गए हैं पेंट वाली शॉप से, इतना के अपना कलर जो है पेंट लेना है, जाके पेंट लेते हैं बाद फिर चलते हैं जल्दी। तो भाई जो पेंट हमने लेना था वो ले लिया, ये रख लिया पेंट और ये थोड़ा सा वो प्लास्टिक पैरस। तो भाई अब जल्दी जल्दी घर चलते हैं। तो भाई जैसे कि आपको पता है कि मामू लोग ना दो दिन से बाहर गए हुए हैं, वो ना गाड़ी के सिलसिले में गाड़ी लेने, तो मुझे लग रहा है पक्का गाड़ी लेके ही आएँगे। तो जब गाड़ी लेके आएँगे ना तो तब उन्हें एक सरप्राइज़ देंगे, मतलब उनके लिए ना एक प्रैंक वीडियो बनाते हैं उनके साथ। जो भाई चलते हैं अपने प्रैंक का सामान लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ मतलब कि ना कोई गिफ्ट वगैरह दूँ वैसे प्रैंक वाले, तो भाई यहाँ से ना कोई चीज़ लेके चलते हैं, जाके हम ना अपने गिफ्ट रेडी करते हैं। तो भाई आ गए यहाँ शॉप पे, यहाँ से ना कोई चीज़ें वगैरह देखते हैं वो लेके चलते हैं। तो भाई ये पेपर ले रहे गिफ्ट पैक करने वाले, तो बाकी और चीज़ें देखते हैं। और ये देखो कितने क्यूट क्यूट से, फिलहाल अभी लेते हैं चीज़ें अपनी। तो भाई पिछली शॉप तो आ ले सर गिफ्ट पैक करने वाले, तो भाई आज शॉप तो पिलाऊंगी गिफ्ट। तो भाई गिफ्ट मैंने ले लिए हैं, तो भाई अब जा रहा हूँ घर, घर जाकर उन्हें पैक करता हूँ। गिफ्ट मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, जब खोलेंगे ना तभी देखना, कसम से बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट लिए हैं मैंने। तो भाई चलते हैं जल्दी जल्दी घर, घर जाके एक तो पेंट पकड़ाते हैं, दूसरा जब मैं गिफ्ट रेडी करते हैं इन्हें ना अभी पैक करना है, वो जो पेपर लिए ना उनसे पैक कर देना जल्दी जल्दी, बस चलते हैं। तो भाई बड़ी मुश्किल के ना पेंट सब कुछ लैके आ गए, काफ़ी ज़्यादा खड्डे हैं अखा जिन्हें ज़्यादा मच्छर पे ने ना, तो बस हूँ ना जाके भाई उन्होंने पेंट फड़ाने तो लाते हैं भाई, और पेंट और गिरने आप दोस्तों ना, तो भाई पेंट फड़ाने भाई पेंट लेकर घर आ गए। तो नाना जी ने सिलका मंगवाया से, नाना और जाके सिलका फड़ाने, तो अपना समान इन एक बार शायद रखने। मैनू ना भाई असद उन्हें ना आंदे ही काम और दसते आंदते हैं कि यार थोड़े से ना पट्ठे हैं मतलब कि चारा थोड़ा सा ये ना उठा कर उनके घर नहीं उनके दोस्त के घर पकड़ाना, वो ना थोड़ा काम शहर जा रहे हैं, तो मैं अब जाऊंगा जाके वो चारा उठा कर उनके घर पकड़ा के आऊंगा। तो अब ये सामान रखने फिलहाल। तो भाई नाना बुआ बैठे, नाना बू जी आ लो ताड़ा सामान ठीक है, यही सी ना? एक डब्बी दो आनी है। हाँ जी दो ने। तो भाई ये नाने का सिलका सी, नाना ना थोड़ा मेरे ना मसला गर्मी वगैरह, तो इस वजह तो ना फिर वो सिलके ला दिता सी। तो भाई हूँ अपना अपने काम चलने जो भाई असर ने आख्या हो, बस काम नहीं मुकने। तो भाई आ गए खेतों वाल, हूँ चलने जाके चारा चुकने। वैसे मैंने ना एग्जैक्ट पता नहीं है पट्ठे वगैरह मतलब ये चारा वगैरह कितने पे आए, बस उन्होंने आम यह दसाया कि भाई असर ने बताया कि भाई जाओगे ना तो तुम्हारे रास्ते में ना एक थाला वगैरह आएगा, मतलब जो है उसके आगे थोड़ा जाओगे ना वहाँ आपको ना एक चादर मिलेगी, उसमें घास वगैरह पड़ी होगी, बस हमने काट के रखी, बस तुमने ना उठा के ना उन्हें घर पका के आने, बस आप चारा देखते हैं कहीं यहाँ पड़ा होगा देख सकते हैं। तो भाई ये वो आ गया थाल वगैरह से क्रॉस कर लिया, अब कहाँ पे इधर कहीं होगा मेरे लग तो इधर है, तो पता नहीं इधर है, देखते हैं यहाँ कहीं होगा। तो भाई ये पड़ी है चादर, तो मुझे तो यही लग रही है, पता नहीं ये ना हो ये किसी और की हो, मैं उठा के ले जाऊँ वो मुझे इतना मारें पता नहीं चले, बस जल्दी जल्दी उठाते हैं लेके चलते हैं, अल्लाह खैर सला जो होगी देखी जाएगी। तो भाई चारा उठा के रख लिया, अब लेके चलते हैं इसे, और शाम टाइम व्यू चेक करें यहाँ पे आस पास खेत ही खेत हैं,
और हरियाली हरियाली आसपास कहीं और कोई चीज़ नहीं लगी है, सारी नीचे ऐसे जैसे घास होती है। तो भाई चारा पकड़ा दिया, बराबर तो रख दिया खुद ही, तो बस अब चलते हैं जाग घर, जाके ना वो पेंट वालों की हेल्प करते हैं जो उन्होंने सामान और चाहिए और पूरी। तो भाई मैं फिलहाल जो काम से करके आ गए घर, तो आ ना भाई असद की छोटी बेटी है, मेरे कज़न है, मेरा वड्डा कज़न है मतलब मेरी खाला का मुंडा है, और भी शादी हुई है तो उसकी छोटी जी बेटी है, तेरा बहाना वा बड़ी क्यूट जी है। तो आए भाई क्यूट जी मेरे भाई, मेरे कज़न की बेटी, हेलो छोटी जी है, वो हंसती भी है, वो हंसती भी जे यार अच्छी है ना, बातें भी करती है, वो रोने लगी, इसे उठा लो इसे उठा लो, ये मेरे कज़न का छोटा भाई है। तो भाई भाई सुबह इतों शुरू किया से उन्होंने पेंट करना, तो आवी दीवार करती सारी, इतों सारे करता है और सामने वाली भी करती है, तो इधरली भी करती दीवार सारी पेंट, तो बैठक के बिचों भी वो बिचो कल कर डे सन, अज फिर किया पेंट। तो भाई अज देखो कि पेंट किया भाई, काफ़ी मेहनत ना पेंट कर डे ने, बस मेरे को पेंट लिया लिया कि मैं थक जाना, तो हजे सुबह हजे होर करना काफ़ी पिया है ना, हजे एक बार होर पेंट करना, जिड़िया दीवारा हुई ना एक एक बार इन्होंने एक बार होर पेंट करना। हाँ भाई चले ने घर, तो सुबह फिर दोबारा आएंगे वेले, आप मतलब कि हूँ आप जो गिफ्ट लैके आए ना वो सैट करा, तो बस हूँ फिलहाल उन्होंने कड़ने बहर फिर उन्होंने गिफ्ट बनाने। तो भाई आए अपना समान सारा जो आप लैके आए हैं, तो मैं आ कुछ डब्बे लेने इन मतलब कि पैकिंग वगैरह करना गिफ्ट वगैरह, पता लगता की होएगा फिलहाल हूँ ना, जल्दी जल्दी पैक करने, काफ़ी देर हो गई है रात 9-10 बजे, मैं काफ़ी देर इतने वैसे भाई पेंट हल चले गए, मैं लेट गया हाँ, तो बस उस बाद हूँ ही उठिया, तो बस हूँ छेती छेती अपना काम करना क्लीयर, फिलहाल गिफ्ट ही वहावगा, लेकिन गिफ्ट खोल के बच्चों नहीं वहाँगा बिच गिफ्ट की है, बस ना पैकिंग वहावे तुम बस हम गिफ्ट पैक करने। तो भाई मैं ना तोहफे जो गिफ्ट थे वो बस डब्बे में पैक करके बना रहा था डब्बे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, ऊपर से 10-12 बज रहे हैं, तो फिलहाल मैंने ना सारा सामान यहाँ पे रख दिया, बस अब ना सुबह कर लेंगे बाकी सारा ही, भाई से मुझे नहीं लगता सुबह से पहले आएंगे, क्योंकि 2-3 हो गया, अब रात टाइम कौन आता है, सुबह ही आएंगे, तो फिलहाल सोते हैं यार। तो भाई सुबह सुबह मैं उठ गया हूँ, तो अब मैं बनाने लगा हूँ ये जो गिफ्ट हैं वो भाई जहेब लोगों के, वो अभी तक में नहीं आए या 2 दिन हो गए हैं, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। तो फिलहाल ये 2 डब्बे बना लिए हैं, मतलब कि 2 गिफ्ट अभी, एक शायद और 2 बनाने हैं, चलो अभी जल्दी जल्दी बनाते हैं फिर। तो भाई ये मेरा 3-4 गिफ्ट हैं ये किए हुए हैं अभी, बस अभी ना इसके साथ शीट के साथ कवर करते हैं बस। तो भाई गिफ्ट पैक हो रहे हैं फिलहाल, तो भाई ये गिफ्ट हो गए 4-5, तो ये भाई से मामू सब के लिए हैं, तो ये देखो कचरा कितना ज़्यादा हो गया, अब ये कचरा भी समेटता हूँ और इन्हें भी साइड पे रखता हूँ, जब वो आएंगे तब उन्हें देंगे, मज़ा आएगा। वैसे इतने बड़े गिफ्ट नहीं हैं, बस बच्चों वाले छोटे छोटे गिफ्ट हैं, आपको दिखाएंगे ना बाद में, मज़ा आएगा सच में। अभी फ़िलहाल इन्हें रखते हैं और ये सामान वगैरह उठा के ना साइड पर लगाते हैं, तो भाई गिफ्ट आप रखते हैं साइड पर ताकि किसी को पता ना लगे, लगा के रखने ना ताकि मतलब कि इन्हें सामने रखा तो इन्होंने पता लग जाए कितने पे ने, फिलहाल आप इतने रखने। तो भाई गिफ्ट रख लेने बस अभी इसके ऊपर काम हो गया तमाम, तो भाई फिलहाल गिफ्ट रेडी हो गए, लेकिन भाई जहेब लोग अभी नहीं आए, तो वो जब आएंगे ना तब उन्हें गिफ्ट देंगे। तो भाई जहेब और ये अभी नहीं ना आए, तो इस वजह से गिफ्ट अगली वीडियो में ही देखने पड़ेंगे आपको, अभी फिलहाल अपनी यहीं करते हैं अपना आज का व्लॉग ख़त्म। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूं आप सबको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जो तोहफे अगर आपने देखने हैं तो मेरे अगले व्लॉग में देखना, तो तब तक भाई जहेब भी आ जाएंगे, फिर उनके हाथ ही खोलेंगे।